हेलो दोस्तों, मेरा फिर से न्यू वीडियो है कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर का। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है यदि 3 5 6 7 4 को कूट भाषा में 5 7 8 9 6 लिखा जाता तो 4 2 1 3 को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन वन 6 4 3 5, ऑप्शन टू 5 3 6 7, ऑप्शन थ्री 3 5 8 9 और ऑप्शन फोर 5 3 7 6। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, पहले क्या कहता है हमारा कि अगर 3 5 6 7 और 4, ठीक है दोस्तों, इन सभी को अगर कूट भाषा में क्या लिखा हुआ है देखिए, तो इसका कूट क्या है देखिए। अगर 3 का कोड है 5, 5 का कोड 7, 6 का कोड 8 और 7 का कोड 9 और 4 का कोड 6। तो ये देखिए दोस्तों, इन सभी में क्या हो रहा है, तो हमारा ये फर्स्ट हो गया दोस्तों। इसमें सभी में +2 बढ़ रहा है। देखिए 2 में भी 6 में 2 8, 5 2 7, 7 2 9 और 4 2 6। ठीक है दोस्तों, हमारा फर्स्ट का हो गया। तो कह रहा है कि 4 2 1 3 का कोड क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिख सकते हैं इसे सॉल्यूशन फॉर कोडिंग आंसर। ठीक है दोस्तों, सॉल्यूशन फॉर कोडिंग आंसर। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये देखिए, अगर हम इसमें क्या करते हैं, अगर सॉल्यूशन फॉर कोडिंग आंसर, इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम यहाँ पर इसका कोड लिखते हैं 4 2 1 और 3। ठीक है दोस्तों, इन सभी का कोड लिखेंगे 4 2 1 3 का कोड, तो 4 का कोड क्या होगा देखिए दोस्तों। अगर 4 + 2 इसमें भी है 6 करते हैं, यहाँ भी +2 करते हैं तो 4, यहाँ भी +2 करते हैं तो 3, और यहाँ भी +2 करेंगे तो 2 करेंगे यहाँ पर तो 5। ठीक है दोस्तों, हमारा ही सेकेंड का सॉल्यूशन हो गया। तो हमारा आंसर क्या है, 6 4 3 5। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है दोस्तों। अब आप ये देखिए कि आपका आंसर कहाँ है। ये देखिए फर्स्ट में दोस्तों 6 4 3 5, 5 3 है 3 5 है 5 3, तो हमारे इसमें कोई आंसर नहीं है। तो ये कह रहे हैं हम कि राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो अब ऑप्शन देखें, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि ऑप्शन फर्स्ट वन इज ए 6 4 3 5 इज राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन पूर्वक से आप देख सकते हैं और बहुत ही शानदार आजा में आपको जवाब में आंसर मिलेगा दोस्तों। और ये इस तरह का एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।